It's glorious. स्वागत है आपका टाई की बात में. और ये वैसे चेतन जी के क्रिकेट के करियर में और क्रिकेट के बाद ये दूसरी टाई है इनके लिए. पहली टाई इन्होंने घर में रखी हुई है. बहुत ही ऐतिहासिक टाई थी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 1986. उस टीम का हिस्सा थे 1986. उस टाई की भी बात करेंगे. उसमें टीम इंडिया ने बड़ी जबरदस्त प्रदर्शन किया था उस मैच में और उस मैच को जीतने वाले थे. लेकिन यहां पर भी अगर आप देखें, टीम इंडिया बड़ी थी और उस बार ऑस्ट्रेलिया बड़ी थी. और जो हाल अफगानिस्तान ने किया है वो कहीं ना कहीं बहुत दिनों तक चुभने वाला है. अफगानिस्तान की बहुत बड़ी जीत है लेकिन हिंदुस्तान के लिए एक बहुत बड़ी हार है. चलिए इस पूरी टाई की कहानी आपको दिखाते हैं किसकी वजह से ये टाई पहननी पड़ रही है पूरे हिंदुस्तान को. आज आखिरी गेंद तक मजाक कर रहे थे, लग रहा था कि जीत जाएंगे और ये मजाक भारी पड़ा. अब शक्लें जो थी सबकी उतरी हुई थी, कोई शक्ल छुपा रहा था, कोई विश्वास नहीं कर पा रहा था. अफगानिस्तान के साथ टाई हजम हो ये बात आपको अभी तक? बेंच स्ट्रेंथ, हम बेंच स्ट्रेंथ की बात कर रहे थे. सौरभ उस दिन कह रहे थे कि 20 पे 2 होंगे, मैं बेंच स्ट्रेंथ को ट्राई करना चाहता हूँ. सामने आपके देखिए, जो इतना बड़ा कप्तान सौरभ गांगुली जैसा अगर विश्वास नहीं कर रहा अपने मिडिल ऑर्डर के ऊपर तो कहीं ना कहीं विश्वास नहीं है. हमें तो नहीं है, अगर मैं बोलूंगा उठकर तो लोग कहेंगे इनको क्या बैटिंग करनी आती है, ये बॉलिंग की बात करें, चेतन शर्मा बैटिंग की बात क्यों करते हैं. लेकिन सौरभ गांगुली की बात को दोहरा रहा हूं कि हमें नहीं विश्वास, हम यहाँ बैठे हैं हमें नहीं लगता, हमें वो कॉन्फिडेंस नहीं देते. रायडू की बात करें, आप सेट होकर आउट हो रहे हैं. आप किसकी, आप राहुल की बात करें, केएल राहुल की बात करें, 110 रन 17.1 ओवर में आप बनाते हैं, क्या बल्लेबाजी कर रहे हैं ये मनीष पांडे केदार यादव. आपने एक बात कही थी, आपकी बात में दोहराता हूं, कल आपने कहा था ये अपनी बेंच पक्की कर रहे हैं लेकिन इस टीम के जो खिलाड़ी कल खेले हैं ऐसा लगता है कि ये बेंच के हकदार भी नहीं. बिल्कुल, अफगानिस्तान के खिलाफ टाई कैसे कर सकते हैं आप? क्या रेस्पेक्ट देने के लिए आए हैं, मैदान में मजाक करने के लिए आए हैं? इतने प्लेयर्स हैं जो इंडिया रेड इंडिया ब्लू के लिए खेलते हैं, अगर उनको भेज देना सेमी वो आपको मैचेस जिता देंगे. मतलब मैं बड़ी बात नहीं कह रहा हूं, मैं विश्वास से कह रहा हूं. और मतलब हमें ही एक चीज है, देखिए ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट हमने 1986 में टाई किया, श्रीलंका को पहला टेस्ट मैच इंडिया ने जिताया और अफगानिस्तान के साथ हमने टाई कर दिया. हम कॉन्फिडेंस दे रहे हैं छोटी टीमों को. मतलब इस समय तो ऐसा होना चाहिए, इंडिया आ गई, 5 प्लेयर नहीं खेल रहे, 10 प्लेयर नहीं खेल रहे, इंडिया ए टीम खेल रही है, अफगानिस्तान को पटकनी दो. तो मतलब उठकर ये ना एक साल बाद आपको पटकनी दे देगी. और अगर कहते ना आपने उंगली पकड़ाई है, ये गर्दन पर पहुंचने के लिए वक्त नहीं लगाएगी. तो इसलिए आपको फाइनल खेलना था, आप मजाक कर रहे थे और ये मजाक का वक्त नहीं है. बिल्कुल वाकई में मजाक का वक्त नहीं है. और इंडिया जैसी, हिंदुस्तान जैसी बड़ी टीम में इस तरीके का मजाक कहीं ना कहीं, अगर टीम मैनेजमेंट को देखें या फिर बीसीसीआई की बात करें, अगर ये जर्मनी की फुटबॉल टीम से तुलना करूं या इंग्लैंड की फुटबॉल टीम, इतने मिनोज से, इतनी छोटी टीम से हार जाए ना, वापस लौटने से पहले कप्तान या टीम मैनेजमेंट जो है ना पूरी की पूरी बदल सकती है. वाकई में ये कहीं ना कहीं बात हजम नहीं होती कि आप अफगानिस्तान कितना भी अच्छा खेले आप मैच टाई करवा बैठे. फिलहाल अफगानिस्तान तीनों मैचेस में लास्ट ओवर तक पहुंचा लेकिन वो दोनों मैचेस वो हारा है, सिर्फ हमारे अगेंस्ट उसने टाई कर दिया. इसका मतलब हमने बांग्लादेश और पाकिस्तान से भी खराब क्रिकेट खेली. वाकई में मजाक तो कर रहे थे लेकिन बाद में कहीं ना कहीं वो जो बहाने थे वो भी ढूंढ रहे थे. और धोनी खासे निराश थे क्योंकि 200वां मैच था कप्तान के तौर पर और वो भी किसके खिलाफ, अफगानिस्तान के खिलाफ. तो अफगानिस्तान के खिलाफ मैच तो टाई हो गया. बल्लेबाजों ने वाकई में कहीं ना कहीं गैर जिम्मेदारी ने बैटिंग की, रनिंग बिटवीन द विकेट्स नहीं पता था. कुलदीप यादव जिस तरीके से आउट हुए, केदार जाधव जैसे आउट हुए, बड़ी लंबी चर्चा हो सकती है जो गैर जिम्मेदाराना बैटिंग टीम इंडिया ने की. उम्मीद यही है कि फाइनल में बांग्लादेश पहुंचे या पाकिस्तान, इस टाई को हम भूल पाएंगे और इस टाई का कोई असर टीम के आत्मविश्वास पर नहीं पड़ेगा, यही हम उम्मीद करते हैं. बहुत बहुत शुक्रिया चेतन जी. इट्स ग्लोरियस.